राम राम भाई सारे ने। मैं आज आपसे फिर एक बहुत ही अच्छा मल्टीपल स्टॉक लेके आऊँ गाइस, जो पहले पेनी स्टॉक के रूप में मिल रहा था आज के एक साल पहले, और आज मल्टीपल बहुत ही बड़ा स्टॉक ये बन चुका है, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्टॉक लगातार बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है शेयर होल्डर्स को, रैलियों का स्टॉक देखने को मिल रहा है, वो मैं आपको पहले ही बता दूँ। इस स्टॉक के बारे में बहुत चीज़ें बताऊँगा, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके इस स्टॉक में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, छोटी सी ट्रेडिंग देख के आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत ही अच्छी मल्टीपल स्टॉक बनने वाली, पोर्टफोलियो की बहुत ही अच्छी कंपनी देखने को मिल रही है आज की तारीख में 2023 के अंदर, क्योंकि रिटर्न के मामले में बहुत ही अच्छा रिटर्न ये कंपनी दे रही है। इसी स्टॉक के बारे में बहुत चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, बस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रही, वीडियो को बीच में स्किप न करना, स्टॉक के बारे में बहुत चीज़ें मिस कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंपनी का स्टॉक हो सकता है, होने वाला है। इसी स्टॉक की ट्रेड वैल्यू की बात करूँ, 250 रुपये के लगभग ट्रेड करा है, 249 रुपये पे आज, 5 रुपये के लगभग आज इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। पिछले 6 मंथ की बात कर लूँ, पिछले 1 मंथ की बात करूँ स्टॉक की, 1 मंथ में 14 रुपये का लोवेसर की देखने को मिला। 6 मंथ पहले 170 रुपये पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था, और आप देख सकते हैं 300 रुपये पर स्टॉक पहुँच चुका है। 80 रुपये के लगभग 6 मंथ में स्टॉक ने रिटर्न दिया, 47% का बहुत अच्छा ग्राफ स्टॉक ने दिखाया है। मैक्सिमम चार्ट की बात कर लेता हूँ, स्टॉक कितने रुपए पर ट्रेड करता था, 19 रुपये में 2019 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। 2022 में भी आज आपको पेनी स्टॉक के रूम में मिला था, पिछले 2 साल में बहुत ही अच्छा 229% का रिटर्न दिया है, 1100% का रिटर्न दिया है, 219 रुपये का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। मार्केट कैप की बात करूँ, 52,000 करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पी रेटो की बात करूँ, 37.78 इसका देख सकते हैं। कंपनी डिविडेंड पे आउट शेयर होल्डर्स को 0.85% छोटा सा दे रही है। इसी स्टॉक के नाम की बात करूँ, नाम भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड इसका नाम देखने को मिला, रेल का काम करती हुई कंपनी देखने को मिली। इसी स्टॉक की मैं कामकाज की बात कर लेता हूँ, पहले कामकाज भी आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। यदि गाइस मैं इस कंपनी के कामकाज की बात करूँ, कामकाज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट का कामकाज करती हुई कंपनी देखने को मिल रही, जो भी गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं रेलवे में उनका कामकाज करती हुई देखने को मिल रही। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, न्यू लाइंस बिछाने का कामकाज कंपनी करती हुई देखने को मिले, कंस्ट्रक्शन का काम करे, रेलवे इलेक्ट्रीशियन का काम करे, मेजर ब्रिगेड जो भी करते हैं वर्कशॉप में जो भी काम होता है उसका काम कंपनी करती हुई देखने को मिली। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनी देखने को मिली, BSNSA लिस्टेड शेयर देख सकते हैं। हाई लो की बात करूँ, 346 रुपये इस साल हाई जा चुका है और 63 रुपये लो जा चुका है। स्टॉक पी की बात करूँ, 35.8 देख सकते हैं। बुक वैल्यू इसकी 37 रुपये लगभग देखने को मिल रही। कंपनी का डिविडेंड पे आउट मैंने बताई दिया, 0.85% का दे रही है। ROC की बात करूँ, 17% देखने को मिला। कंपनी का ROE की बात करूँ, 20% देख सकते हैं। फेस वैल्यू की स्टॉक की 10 रुपये लगभग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस। कंपनी की कर्जे की बात करूँ, कर्जा कंपनी कम देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट लॉस चार्ट की बात करूँ, 19,382 करोड़ के अलावा इसके सेल्स थे आज, 20,895 करोड़ के अलावा इसके सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस 18,199 करोड़ थी आज, 19,624 करोड़ के लगभग देखने को मिली। ओपनिंग प्रॉफिट इसका 1183 करोड़ था आज, 1271 करोड़ के लगभग देखने को मिल रहा है। कंपनी के OPM 6% थी आज, वही सेम देखने को मिली। कंपनी की ऑथर इनकम 831 करोड़ थी आज, 1241 करोड़ के लगभग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ, पिछले 10 साल के अंदर पिछले 5 साल में 22% का स्टॉक ने जंप लिया है, इसमें 20% का जंप लिया है। पिछले 12 महीने में 1% का लोवेसर के लिए इसमें देखने को मिला, इसमें 1% का प्लस पॉइंट इस स्टॉक ने दिखाया है। स्टॉक प्राइस की बात करूँ, पिछले 3 साल में 102% की परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाई है, इसमें 286% की दिखाई है और 21% की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाई है गाइस। बैलेंस शीट की बात करूँ, इक्विटी कैपिटल क्या कंपनी के देखने को मिला है। यदि इक्विटी कैपिटल्स की बात करूँ, 2085 करोड़ के लगभग देखने को मिलते थे आज, वही देखने को मिले। रिजर्व कंपनी का 4240 करोड़ थी आज, 5823 करोड़ के लगभग देख सकते हैं। CWIB की 1 देखने को मिली। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, प्रमोटर इनकी 72% के लगभग देखने को मिली। FLS होल्डिंग्स की 2.5% के लगभग देखने को मिली। DLS होल्डिंग 6% देख सकते हैं। पब्लिक होल्डिंग 18% देख सकते हैं। 13,93,000 शेयर होल्डर्स इसके देखने में मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे शेयर होल्डर्स इसके देखने में मिले पहले से। रेल विकास निगम मैंने नाम बता दिया, रेल कामकाज करती कंपनी देखने में मिले। रेलवे स्टॉक है, गवर्नमेंट का स्टॉक है, बहुत ही अच्छा पैसा आपको कमा के दे सकता है। वीडियो में आपको अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।